क्या हाल चाल है दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुलजिंदर 3D। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पाथ डिफॉर्म मॉडिफायर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि ये मैंने पर्स बना रखा है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस जो इसकी स्ट्रैप है वहाँ पे मेरे को कुछ किसी शेप और शेप को फॉलो करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाथ डिफॉर्म मॉडिफायर। तो सबसे पहले हम इस पे एक पाथ निकाल लेते हैं। पाथ जो होता है वो एक स्प्लाइन हो सकता है, वो एक लाइन हो सकती है। तो उसके लिए हम इसकी एज सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट शेप करेंगे। तो यहाँ पर हम एक इसकी शेप निकाल सकते हैं जो एक स्प्लाइन होगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं। हमको सिंगल चाहिए तो हमें एक बार के लिए जो डबल वाला है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम आइसोलेशन से बाहर आते हैं। तो इसको हम कर देते हैं हाइड सिलेक्शन। अब मेरे को इसके ऊपर एक चेन बनानी है, ठीक है। तो वो चेन को हम एक बार मॉडल कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एक टॉरस, साइज छोटा कर लेते हैं। इस पे हम लगाते हैं पाथ डिफॉर्म पे लगाया हमने। इसके पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पिक पाथ। हम पिक पाथ पे क्लिक करेंगे, जो हमने पाथ बनाया था हम उसको क्लिक करवाएंगे, पिक करवाएंगे। तो हमारे पास जो शेप थी वो पाथ जा रहा है, वही उसका एक्सिस अलग है। उसके सबसे नीचे दे रखा है हमारे पास पाथ डिफॉर्म एक्सिस। जैसे हम एक्स पे क्लिक करते हैं तो वो हो रहा है, बट वो एग्जैक्ट पाथ के ऊपर नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे मूव टू पाथ। तो जो हमारा शेप था वो पाथ के ऊपर डिफॉर्म हो गया है। अभी उसका शेप जो ऑल ओवर शेप है, मतलब जो ऑल ओवर हमारी चेन थी वो बड़ी है, इसलिए वो जो पाथ है उसके स्टार्ट एंड से लेके, मतलब जो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है, F3 दबाता हूँ। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जहाँ से वो एंड पॉइंट है उससे आगे जाता है तो स्ट्रेट निकल जाता है। तो इस तरीके से हम पाथ डिफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम एक बार पाथ डिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ दोबारा से चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास परसेंटेज होता है, हमें कितने परसेंट तक चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेच होता है, जो हमारी ऑल ओवर मैश है वो कितनी स्ट्रेच करे। अगर मैं परसेंटेज को कम करके इधर ले आता हूँ और उसको मैं स्ट्रेच करवाता हूँ, तो जो हमारा ऑल ओवर शेप थी वो स्ट्रेच होके आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रोटेट आता है, हम इनको रोटेट भी कर सकते हैं अगर हमको किसी एक्सिस पे रोटेट करवाना है। उसके बाद ट्विस्ट भी कर सकते हैं हम, कितना हमें ट्विस्ट चाहिए सो दैट उसमें एक नेचुरल फील आए। तो ये था हमारा पाथ डिफॉर्म मॉडिफायर। इसको हम अब एंड जो हमने हाइड किया था हम उसको अनहाइड करके देखते हैं। जैसे मैं एडिट पॉली पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे हमारी शेप थी उसमें अगर वो थिकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है तो हम उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हम इस पे एडिट पॉली पे गए, मेरे को लग रहा है कि इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है तो उसको मैं कम भी करवा सकता हूँ। मैंने इसकी वर्थ कम की और अभी मैं पाथ डिफॉर्म पे जाता हूँ, तो जो हमारा बहुत वाइडर चेन थी वो अभी साइज़ में थोड़ा सही लग रहा है। तो इस तरीके से हम पाथ डिफॉर्म को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल था चेन के लिए, ऐसे ही हम सोफ़ा होते हैं उस पर नेल हेड्स लगे होते हैं, उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पास वेवफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। जो रेपिटेटिव पैटर्न्स होते हैं उसको किसी भी पास पे फॉलो करवाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी के सिमिलर हमारे पास दूसरा होता है पैच डिफॉर्म। तो पैच डिफॉर्म के लिए हम बनाते हैं एक सिलेंडर। अब इस पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले पैच पे कन्वर्ट, कन्वर्ट टू पैच। ये पैच में कन्वर्ट हो चुका है। अब इस पे हमें एक चाहिए कुछ शेप जिसको हमें इस पैच पे फॉलो करवाना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक प्लेन बनाया, तो हमने ये डिज़ाइन को इस जो ये वाली शेप है हमें इस पैच पे डिफॉर्म करवाना है। तो उसको फॉलो करवाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे जाएंगे पैच डिफॉर्म। तो हम पिक पैच करवाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, जो हमारा पैच जो हमारी मैश थी वो पैच के ऊपर डिफॉर्म हो चुकी है। सेम एज इट इज इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको पिक करवा दी कौन से पैच पर आपको डिफॉर्म होना है, कर लेते हैं कि मूव टू पैच हो जाए। मूव टू पैच पे क्लिक करेंगे तो वो उसके सेंटर पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं, यू परसेंटेज है तो कितने परसेंट हमारा यू में होना चाहिए उसको दिखा रहा है। उसके बाद यू में स्ट्रेच कितना चाहिए, हम उसको स्ट्रेच करवा के उसका हम जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको फिल करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा वी वैल्यू में लाइक वेट में हमारे पास कितना होना चाहिए, पहले परसेंटेज है, बाद में सेकंड वन स्ट्रेच है, कितना स्ट्रेच होना चाहिए। इस तरीके से हम किसी भी पैच पे कोई भी मैश को हम डिफॉर्म कर सकते हैं और उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आता है हमारे पास एक्सिस। एक्सिस हमें डिफाइन करना होता है कि किस एक्सिस पे चाहिए, हमें एक्स वाई एक्सिस पे चाहिए, तो हमने एक्स वाई एक्सिस सेलेक्ट कर लिया है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने किया है कि पाथ डिफॉर्म और पैच डिफॉर्म कैसे वर्क करता है। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।